नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 20 अगस्त को हॉट सीट पर विराजमान हुए थे विष्णु अच्युत मंगोली। देखिए इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि चेन्नई के रहने वाले हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर केबीसी के मंच से विष्णु मंगोली कितनी राशि जीत कर गए हैं। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अभी तक इनका गेम फिनिश्ड नहीं हुआ है, यानी कि 21 अगस्त को भी ये केबीसी के मंच पर दिखाई देने वाले हैं। 20 अगस्त को जब ये 12,50,000 की राशि जीत जाते हैं और जैसे ही महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 25 लाख का प्रश्न पूछते हैं, तभी हुटर बज जाता है और हुटर बजने के कारण गेम को वहीं पे स्थगित करना पड़ता है। तो 21 अगस्त को जब ये हॉट सीट पर विराजमान होंगे तो महानायक अमिताभ बच्चन पहला प्रश्न इनसे 25 लाख का पूछने वाले हैं। और ध्यान रखिए, इनके पास अभी भी एक लाइफलाइन वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड बचा हुआ है। तो 21 अगस्त को आपको मालूम चलेगा कि केबीसी के मंच से कितनी राशि जीत कर जाते हैं। लेकिन चलिए 20 अगस्त के गेम के विषय में हम आपको बताते हैं कि आखिर ये अपने 2 लाइफलाइन का इस्तेमाल कहां कहां पे करते हैं। तो हम आपको बता दें, ये अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल 80,000 के प्रश्न पे करते हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए 80,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2023 में भारतीय डाक ने किस देश में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया था। 4 ऑप्शन है, ए अमेरिका, बी कनाडा, सी श्रीलंका और डी सिंगापुर। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर ये ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन सी, यानी कि श्रीलंका। इस तरीके से विष्णु मंगोली ऑप्शन सी को लॉक करवा कर जीत जाते हैं 80,000। उसके बाद 1,60,000 के प्रश्न पे ये इस्तेमाल करते हैं दुगुनास्त्र का। और 1,60,000 का सवाल वो हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं, भगवान राम ने किसी कंधा का युवराज किसे नियुक्त किया था। 4 ऑप्शन है, ए अंगद, बी भगवान हनुमान, सी जाम्बवत और डी इंद्रजीत। ये दुगुनास्त्र का सवाल है, इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि अगर इस प्रश्न का ये सही जवाब देते हैं तो इनको मिल जाएगा 3,20,000, यानी कि 1,60,000 इस प्रश्न का और 1,60,000 एक्स्ट्रा बोनस। तो ये बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं और ऑप्शन ए को लॉक करवा कर ये जीत जाते हैं 3,20,000। उसके बाद जो है महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 3,20,000 का प्रश्न पूछते हैं, जिस प्रश्न को हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब न मालूम होने के कारण इसी पे ही अपने दूसरी लाइफलाइन डबल डिप का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप प्रश्न को देखिए, कौन सा संगीत वाद्य यंत्र 4 तार वाले गिटार का एक परिवर्तित रूप है, जिसे पुर्तगाली 1870 के दशक में पहली बार हवाई में लेकर आए थे। 4 ऑप्शन है, ए बैंजो, बी सैक्सोफोन, सी यूकेलेले और डी चेलो। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए डबल डिप का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि डबल डिप के विषय में आप लोग जानते हैं कि डबल डिप लेने के बाद प्रतिभागी गेम को क्विट नहीं कर सकते हैं, साथ ही उनको 2 मौका मिलता है। एक बार अगर वो किसी ऑप्शन को लॉक करवाते हैं और अगर वो गलत हो जाता है तो दोबारा बचे हुए 3 में से किसी एक को लॉक करवा सकते हैं। तो ये पहली बार में ही ऑप्शन सी को लॉक करवाते हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है और इस तरीके से जो है जीत जाते हैं 3,20,000। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केबीसी के मंच पे जब कोई प्रतिभागी 3,20,000 जीत जाता है तो उसके बाद एक नया सेगमेंट ऐड किया गया है, जिस सेगमेंट का नाम है सुपर संदूक। सुपर संदूक के दौरान महानायक अमिताभ बच्चन प्रतिभागी से 10 प्रश्न पूछते हैं, प्रत्येक प्रश्न की राशि जो है 10,000 होती है और वो जितने भी प्रश्न का सही जवाब देते हैं उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके वो राशि जीतते हैं। और अगर वो 5 प्रश्न से ज़्यादा का जवाब दे देते हैं तो या तो उस जीती हुई राशि को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं या फिर उस राशि से जो ये अपना लाइफलाइन खो चुके थे उसको पुनः जीवित कर सकते हैं। तो ये सुपर संदूक के दौरान जो है 9 प्रश्न का सही जवाब देकर 90,000 की राशि जीत जाते हैं और उस 90,000 को विष्णु मंगोली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र न करवा कर अपनी खोई हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल को पुनः जीवित करते हैं। उसके बाद ये गेम आगे की ओर बढ़ता है और फिर इनको ऑडियंस
पोल का इस्तेमाल करना पड़ जाता है 12,50,000 के प्रश्न पे, जिस प्रश्न को हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह कौन सा है? चार ऑप्शन है, ए हाउमिया, बी सिरिस, सी वेस्टा और डी एरिस। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए ये अपनी खरीदी हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल को पुनः इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देखिए, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन बी। इस तरीके से ऑप्शन बी का इस्तेमाल करके जीत जाते हैं 12,50,000। और उसके बाद जैसे ही महानायक अमिताभ बच्चन 25,00,000 का प्रश्न पूछने वाले होते हैं, तभी हुटर बजता है और हुटर बजने के कारण गेम को स्थगित करना पड़ता है। तो आज आप 21 अगस्त को विष्णु अच्युत मंगोली को फिर से केबीसी के मंच पे आप देखेंगे, जहां पे महानायक अमिताभ बच्चन पहला सवाल ही उनसे 25,00,000 का पूछने वाले हैं। और ध्यान रखिए, अभी भी इनके पास एक लाइफलाइन वीडियो कॉल ऑप्शन बचा हुआ है। तो देखना होगा कि केबीसी के मंच पे आज विष्णु मंगोली कितनी राशि तक अपना सफ़र तय करते हैं। तो उसकी डिटेल्स जो है हम आपको 21 अगस्त को रात में देने वाले हैं।